फ्रेंड्स, आज मेरे किचन में बन रहा है सोया मंचूरियन, जो टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर से बनाइए। इसी के साथ ही अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है, यूज़फुल लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैंने न्यूट्रेला का सोया चंक्स लिया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, वो ले लेते हैं। और यहाँ पे पानी लिया है मैंने, इसके अंदर सॉल्ट डाल दिया है और इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म हो जाए उसके बाद 3 कप मैं यहाँ पे सोया चंक्स ले रही हूँ। ये रेसिपी 5 जन के लिए बनने जा रही है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको 8 से 10 मिनट तक हम अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे। एक बार उबाल आ जाए उसके बाद फ्लेम को मीडियम और लो के बीच में कर लीजिए। इसके बाद इस तरह से छान लीजिए और ठंडा हो जाए थोड़ा सा, फिर इसको इस तरह से दबा के पानी निकाल लीजिए। तो आप देख सकते हैं इतना पानी है इसमें, दबाने से थोड़ा सा निकलता है। उतना पानी आपको रहने देना है, पूरा पानी निचोड़ के नहीं निकालना है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, चिली सॉस 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर, 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस। ये सब सॉसेस डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए और उसको अच्छे से टॉस कर लीजिए ताकि सोया चंक्स के अंदर सारे जो हमने सॉसेस डाले हैं वो अच्छे से इसको पी ले। इसके बाद हमें यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैदा डालना है इसके अंदर और इसको वापस से टॉस कर लेना है। बाद अभी जितना ज़रूरत हो उतना हमें यहाँ पे चावल का आटा डालना है या फिर कॉर्नफ्लोर डालना है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबलस्पून चावल का आटा डाल रही हूँ, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो इसके जगह पे। और इसको अच्छे से टॉस कर लीजिए और एकदम कोट हो जाए इस तरह से हमें इसको कोट कर लेना है। यहाँ पे ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और 2 ओनियन का मैंने इस तरह से डाइस में कट कर लिया है और 1 कैप्सिकम का और 1/2 रेड बेल पेपर लिया है। इन सबको डाइस में कट कर लिया है और इसको हम इस तरह से पहले तल लेंगे। तो होटल वाले इसी तरह से वेजेस को तल के तैयार कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि इसका क्रंच ऐसा ही रहता है और खाने टेस्ट में ही बहुत ही अच्छा लगता है वेजेस। यहाँ पे हमें 1 मिनट से कम ही टाइम तक हमें इसको फ्राई करना है और निकाल लेना है इसको। तो वेजेस अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसके बाद हम सोया चंक्स जो हमने बना के रखे हैं मैरिनेट करके वो डाल देते हैं। तो सोया चंक्स को अच्छे से फ्लोर में कोट कर लीजिए ताकि देखें आप फ्राई करने के टाइम पे एकदम कोटिंग हो जाए बराबर से। तो इसको मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में रख के हमें इसको फ्राई कर लेना है और इसको अच्छे से ब्राउन हो जाए उतना फ्राई करना है। ये बात खास ख्याल रखिए, नहीं तो अंदर से थोड़े से कच्चे रह जाएंगे, वो हमें नहीं चाहिए। एक बैच मैंने तल लिया है, अभी दूसरा बैच में फ्राई करने के लिए रखती हूँ। सोया चंक्स के मंचूरियन बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे हमारे मंचूरियन फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम एक स्लरी बना लेंगे या फिर ग्रेवी बना लेंगे। तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें सॉसेस करेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून विनेगर डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस ज़रूरत के अनुसार डालिए और 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैं शेजवान सॉस डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको तीखा खाना यहाँ है या थोड़ा सा मीडियम खाना है, वो हिसाब से डालें। मैंने यहाँ 5 टेबलस्पून डाला है।
2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाला है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी रेडी है, हमें अभी फटाफट मंचूरियन बन जाएगा। इसको रख देते हैं साइड पे और मंचूरियन हमारे फ्राई होके तैयार है, इसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, 2 ऑनियन बारीक कट किए हुए डाल दिए हैं। फ्लेम हमें मीडियम से हाई के बीच में रखनी है और ऑनियन एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद हमें लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबलस्पून। 1 कप कैबेज डाली है जूलियन कट करके, और ये दोनों सब 1-2 मिनट फ्राई हो जाए, उसके बाद हमें ये जो हमने ग्रेवी बनाई थी वो डालनी है। तो ग्रेवी को इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालिए, थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। इससे कॉर्नफ्लोर जो है वो तले पे बैठेगा नहीं और ग्रेवी जो है वो अच्छे से पक जाएगी, सॉसेस जो हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएंगे। अभी इसको हमें 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है मीडियम और लो फ्लेम के बीच में। वही बर्तन में मैंने पानी डाला है और 1 कप पानी में डाल रही हूँ, फिर आगे देखते हैं कि कितनी ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो इसको हमें अच्छे से पका लेना है 4 से 5 मिनट। अभी मुझे पानी की ज़रूरत और लगी है तो मैं 1 कप और पानी डाल रही हूँ। 4 से 5 मिनट पक जाए उसके बाद नमक डाल दीजिए, नमक थोड़ा सा ही डालें और काली मिर्च का पाउडर डालें। यहाँ पे मैं फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। इसको अच्छे से चला लीजिए। यहाँ पे हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है और अभी हमने जो वेजीज बनाए थे फ्राई करके और सोया चंक्स को फ्राई किया था वो सब डाल देंगे। तो उसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है, उसके बाद डाला है सब। सबको अच्छे से मिला लीजिए और ये ग्रेवी में तभी डालें जब भी आपको डिनर करने के लिए बैठना हो। यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बनाया था, इसके साथ सोया मंचूरियन को सर्व किया है और सबको बहुत ही घर में पसंद आया, आप भी जरूर से बनाइए। यहाँ पे ग्रीन ऑनियन का ग्रीन पार्ट डाला है मैंने थोड़ा सा, और हरा धनिया से गार्निश किया है। तो ये हमारे सोया मंचूरियन बनके तैयार है। आप इसको सोया चिली मंचूरियन भी बोल सकते हैं। वॉचिंग, बाय गाइस।